तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आपसे स्वागत है एपिसोड नंबर 5th और 6th में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते कि हाजी में यहाँ पे सभी बंदों को बचा के दोबारा जो है विलेज के अंदर ले जा रहा होता है, और यहीं पे हाजी में आराम से लेटा होता है। तभी यहाँ पे जो महाराज होते हैं ये बोलते कि हाजी में क्या तुम्हें कुछ चाहिए? हाजी में बोलते कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस पे महाराज कहते कि वैसे अगर तुम चाहो तो लिली से जो है शादी कर सकते हो। हाजी में कहते कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी महाराज लिली को कहते हैं कि वैसे तुम यहाँ पे हाजी में के यहाँ डांस करते हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी और काफ़ी खुश लग रही थी। लिली कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पे महाराज कहते कि वैसे भी तुम मेरी जो फैमिली है उसके लिए नहीं बनी थी। तो हाजी में कहता है कि लिली तुम्हें मुबारक हो, अब तुम्हें इसके बेटे से शादी नहीं करनी पड़ेगी। तभी कावरी कहती कि तुम जिसे चाहो अब उसे शादी कर सकती हो। तभी महाराज कहते कि देखो, अगर तुम्हें यहाँ पे लिली से शादी करनी है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिस पे लिली कहती कि महाराज आखिरकार भी क्या कह रहे हैं। महाराज कहते कि हाजी में हर इंसान कोई ना कोई चाहिए होती है। तो हाजी में बोलते कि मेरे पास पहले ही है यहाँ पे। और ये कहते वक्त ये सीन और युवा को आगे जह रख देता है। नेक्स्ट सीन में ये लोग यहाँ पे जो है जंगल के पास पहुँच जाते हैं, और ये लोग देखते कि नीचे जंगल में जो लकड़ियाँ हैं वो जल चुकी है, जिसके बाद ये लोग लैंड करते हैं। तभी जंगल के लीडर बाहर आते हैं और ये बोलते कि सर हाजी में आपने यहाँ पे बहुत सारे जो पेड़ हैं उनको जो है तोड़ दिया। तभी हाजी में कावरी को बोलते कि प्लीज़ तुम यहाँ पे इस प्रॉब्लम को ठीक कर दो। तो कावरी अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और यहाँ पे सब कुछ ठीक कर देती है, और साथ ही जहाँ पे पेड़ जले होते हैं वहाँ भी नए पेड़ आ जाते हैं। अब सभी लोग कावरी को यहाँ पे जो है गोडेस मान लेते हैं। ये देख के कावरी डर जाती है और ये बोलती कि प्लीज़ खड़े हो जाओ। यहीं पे लीडर बोलते कि तुमने मेरी बेटी की भी जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी में कहते कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे लीडर कहते कि वैसे मुझे आपकी स्टोरी भी सुननी है कि आपने कैसे इनकी जान बचाई। तभी हम देखते कि जो कीमल होता है वो जो है यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि हमने आपके जो बंदे हैं उनकी जान बचा ली, और साथ ही हमने जो एम्पीरियर है उनको भी जो है यहाँ पे हरा दिया। हो सकता है कि वो लोग दोबारा हमला ना करें, लेकिन फिर भी अगर उन लोगों ने हमला किया तो तुम लोग क्या करोगे? क्या तुम लोग फिर से यहाँ पे भागना स्टार्ट कर दोगे और छुपना स्टार्ट कर दोगे और इनका जो गुलाम है वो जो बनना स्टार्ट कर दोगे, या फिर इनसे फाइटिंग करोगे? देखो यहाँ पे ये नहीं पता कि दुश्मन कब हमला कर दे, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। अगर तुम लोग यहाँ पे लड़ाई करने के लिए तैयार हो तो हम जो है तुमको ट्रेनिंग दे सकते हैं, फिर अगली बार तुम लोगों को हमारे ऊपर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं होगी। फिर सारे रैबिट कहते कि ठीक है, हम लोग लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। यहीं पे कीमल हाजमे से कहते कि मुझे माफ़ करना, मैंने आप लोगों की बातचीत में डिस्टर्ब किया, लेकिन ये सबसे अच्छा मौका था यहाँ पे जो पावर है उसे जो है इकट्ठा करने का। हाजमे बोलते कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लीडर बोलते कि चलो हम लोग जो है अपने घर में चलते हैं। फिर ये सभी जो होते हैं यहाँ पे महल में आ जाते हैं और यहाँ पे बातचीत को स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे जो एम्पीरियर होता है वो यहाँ पे कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम लोग मेरे ऊपर हमला नहीं करने वाले। तभी यहाँ पे एल्डर्स कहते कि आपको ठीक से बात करनी चाहिए। महाराज कहते कि यहाँ पे किसी में दम नहीं है जो मुझसे ठीक से बात करवा सके, मैं सिर्फ यहाँ पे अपने से ताकत और बंदे की जो इज्जत है वही जो करता हूँ। ये सुनने के बाद हाजी में खड़ा होता है और ये जो एक पोर्टल खोल देता है। महाराज कहते कि तुम मुझे इस तरह से नहीं भेज सकते हो। तो हाजी में कहते कि मैं भेज सकता हूँ। फिर जो हाजी में होता है वो जो है महाराज को पोर्टल में धक्का दे देता है। तभी यहाँ पे जो हाजी में होता है वो कैमल को बोलता है कि कल हम लोग निकल जाएंगे। तभी यहाँ पे जो लीडर होते हैं ये बोलते कि नहीं, आप ऐसे कैसे जा सकते हो, हमने अभी तक आपको रीपे भी नहीं किया, क्या आप लोग यहाँ पे कुछ दिन और नहीं रुक सकते हो? तो हाजी में बोलते कि नहीं, हमें बाकी के डंजन में भी जाना है। जिस पे एल्डर बोलते कि ठीक है, लेकिन जब तक आप यहाँ पे हो आप जो है हमसे कुछ भी मांग सकते हो। हाजी में कहता है कि आपका शुक्रिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो एल्डर बोलते कि ठीक है, हम आपके लिए कब से कब रूम का तो इंतजाम कर ही देते हैं। हाजी में कहता है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हाजी में यहाँ पे जो है लेटा होता है, तभी यहाँ पे कैमल आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा बॉस, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। हाजी में बोलते है कोई बात नहीं, बताओ तुम्हें क्या काम है? कैमल कहता है कि मुझे आपको जो है कहीं पर ले जाना है। हाजी में कहता है कि ठीक है। फिर कैमल हाजी में को यहाँ से ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते कि जो हाजी में होता है वो शिन के पास आ चुका होता है। शिन बोलती कि मैं यहाँ पे बचपन से ही एक हीरो बनना चाहती थी, एक ऐसी हीरो जो यहाँ पे अपने लोगों की जो रक्षा है वो जो है कर सके, और तुम्हारी वजह से मैं आज वो बन पाई हूँ। हाजी में कहता कि कोई बात नहीं। शिन कहती कि ये जो जगह है ये जो है मेरे मॉम की फेवरेट प्लेस है, वो यहाँ पे हमेशा आया करती थी। हाजी में कहते कि ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये कहने के बाद हाजी में यहाँ से जा रहा होता है। तभी यहाँ पे शिन बोलती कि तुम्हें थोड़ा इधर और रुकना चाहिए,
मैंने अभी तक तुमको यहाँ पे रीपे भी नहीं किया। हाजिमे कहते कि तुमने मुझे जो है थैंक यू बोल दिया। शिन कहते कि नहीं, मुझे तुम्हारे लिए कुछ और भी करना है। जिसके बाद हाजिमे यहाँ पे जो है पेड़ के ऊपर आ जाता है शिन के साथ। शिन कहते कि मेरी मम को ये जगह देखना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, उन्हें ये जगह बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। तभी हाजिमे बोलते कि शिन मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। तो शिन बोलते कि बताओ मुझे क्या करना है। हाजिमे कहते कि मैं लेटना चाहता हूँ। तो यहाँ पे शिन कहती है ठीक है और ये जेस के पैर पे लेट जाता है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये लोग डंजन की तरफ जा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लिली को देखते हैं जो यहाँ पे पोर्टल के थ्रू महल में आ चुकी होती है। लिली बोलती कि आखिरकार एक लड़की को इस तरह से कौन फेंकता है। लड़कियाँ बोलती कि आप ठीक तो है ना। लिली कहती कि मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पे हाजिमे को लड़कियों से पेश आना बिल्कुल नहीं आता, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हाजिमे को देखते हैं जो यहाँ पे आ जाता है और वो एक बटन को यहाँ पे पत्थर के ऊपर लगा देता है और लगाते ही यहाँ पत्थर जो है ग्लो करने लग जाता है। और इनके सामने एक ट्री आ जाता है, जो युया होती है वो जो है ट्री को टच करती है और एकदम से ट्री ग्लो करने लग जाता है और यहाँ पे रास्ता खुल जाता है। और जिसके बाद ये लोग ट्री के अंदर चले जाते हैं और एकदम से एक रोशनीशी आती है और ये लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग एक जंगल में होते हैं। तभी यहाँ पे जो हीरो होता है ये बोलते कि हमें कहाँ पे जाना है। तो नागामी बोलते कि सबसे पहले हमें यहाँ पे बाकी जो बंदे हैं उनको जो है ढूंढना होगा। फिर ये लोग जो आगे की तरफ जा रहे होते हैं और आगे जाते जाते इनको जो है यहाँ पे एक आवाज सुनाई देती है और इनको जो बाकी बंदे हैं वो दिखाई देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जो नागामी होता है वो युवा के पास आता है और उसके सर पे बंदूक रख देता है। युवा कहती कि आखिरकार तुम ये क्यों कर रहे हो। नागामी कहता कि मुझे बताओ कि जो असली युवा है वो कहाँ पे है। तभी बंदे बोलते कि आखिरकार नागामी तुम क्या कर रहे हो, असली युवा तुम्हारे सामने ही है। यहीं पे युवा कुछ नहीं बोलता तो यहाँ पे नागामी युवा को एक गोली मार देता है और नागामी फिर से युवा से पूछता कि बताओ यहाँ पे युवा कहाँ पे है, लेकिन ये कुछ नहीं बोलती। फिर नागामी इनको जय खत्म कर देता है और फिर हमें पता चलता है कि ये तो मॉन्स्टर था सब। फिर शिन कहती कि यहाँ पे मिस युया और मिस तावा वो कहाँ पे हो सकती हैं। नागामी कहते कि मुझे नहीं पता, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी हीरो बोलते कि तुम्हें पता कैसे चला। तो नागामी कहता कि ये तो कॉमन सेंस है। फिर इसके बाद ये लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी इनके सामने जो मॉन्स्टर है वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये लोग मॉन्स्टर से लड़ाई करना जो है स्टार्ट कर देते हैं और यहीं पे जो हाजिमे होता है वो जो होता है अपने बंदूक से यहाँ पे हमला कर रहा होता है और जिसके बाद धीरे धीरे ये जो सारे मॉन्स्टर को यहाँ पे जो है खत्म कर देते हैं। और तभी एकदम से इनके सामने जो यहाँ पे गोबलिंग मॉन्स्टर होता है वो आ जाता है। तभी जो हीरो होता है वो इसे खत्म करने जा रहा होता है, लेकिन नागामी बीच में आता है और वो हीरो को लात मार के साइड में कर देता है। सीन कहती है कि आखिरकार आपने इसको जो है लात क्यों मारा। हीरो पूछते कि तुमने मुझे लात क्यों मारा। तभी नागामी कहते कि तुम ही असली जो है युवा होना। तो यहाँ पे वो जो हम मुंडी लाती है, ये देख के सभी बंदे जो है चौंक जाते हैं। यहीं पे नागामी कहता है कि तुम इस जगह पे टेलीपोर्ट हो गई और एक जो है मॉन्स्टर बन गई। तो यहाँ पे युया जो होती अजीब से हाथ करती है। तभी यहाँ पे ये लोग पूछते कि आखिरकार तुम उससे बातें कैसे कर रहे हो। नागामी कहते कि मैं उसकी आंखों को देख के समझ सकता हूँ कि वो क्या कह रही है। फिर नागामी युया को एक चीज देता है, युया जो होती है उस चीज को खा लेती है और जिसके बाद वो यहाँ पे जो है बोल पा रही होती है। और जिसके बाद ये आगे बढ़ते हैं तवा को ढूंढने के लिए और तभी इनको आवाज आती है और इनको तोया भी जो होती है दिख जाती है। कावरी कहती कि इसमें सोचने की बात ही नहीं, ये जो है तोया ही है। फिर नागामी जो यहाँ पे फायर करता है और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होते हैं जो तोया को मार रहे होते हैं वो जो यहाँ पे हट जाते हैं। तभी यहाँ पे ये लोग जो है पेड़ के अंदर चले जाते हैं और एकदम से ये लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फिर हमें नागामी का ओरिजिनल वर्ल्ड दिखाया जाता है जहाँ पे नागामी सो रहा होता है। यहीं पे युया उसके पास आती है और ये बोलती कि अपनी आंखें खोलो। फिर नागामी यहाँ पे उठ जाता है और ये दोनों स्कूल के लिए तैयार होना शुरू हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में स्कूल में होते हैं जहाँ पे शिन जो होती है इसे पकड़ लेती है। नागामी कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम्हें इस तरह से मुझे जो गले नहीं लगाना चाहिए। तभी नागामी अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार इतनी दो सुंदर लड़कियाँ मेरे प्यार में कैसे गिर सकती हैं। फिर यहाँ पे युया कहती कि यहाँ पे क्लास का टाइम हो चुका है, हमें जो है यहाँ पे चलना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग क्लास में जो है आ जाते हैं और क्लास में इसको जो है यहाँ पे तोया दिखाई देती है। तोया कहती कि नागामी आखिरकार तुम उससे बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम उससे गुस्सा हो। तो नागामी कहता कि ऐसी कोई बात नहीं है। और जिसके बाद यहाँ पे इनकी जो है छुट्टी हो जाती है और ये लोग घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो मियो होती है वो भी जो होती है आ जाती है। नागामी कहता कि तुम इस तरह से मत भागा करो। फिर ये लोग जो है घर की तरफ जा रहे होते हैं तभी इनको एक लड़की दिखाई देती है जिसे कुछ लड़के छेड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो शिन होती है वो सीधा उन लड़कों के पास जाती है और उनको मारना स्टार्ट कर देती है। तभी मियो शिन को बोलती कि तुम तो बहुत ज्यादा ही बहादुर हो। यहाँ पे शिन कहती कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें यहाँ पे लड़ना जो है सिखा दूंगी।
जिसके सुन के यहाँ पे मियो खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में नगामी जो होता है यहाँ पे लेटा होता है और ये सोचता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी यूया जो इसके पास आ जाती है, तभी नगामी को एक आवाज सुनाई देती है और ये आवाज नगामी के मन की होती है जो कह रही होती कि मुझे यूया और शिन को जो है प्रोटेक्ट करना है। तभी नगामी अपने आप को मारना स्टार्ट कर देता है। यूया बोलती कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। नगामी बोलते कि मुझे पता है ये जो है झूठ है। तभी जो नगामी होता है वो जो है अपने असली फॉर्म में आ जाता है और एकदम से ये सारी चीजें यहाँ पे जो है टूट जाती है। यूया बोलती कि तुम पास हो गए, तुम्हारे मन में कोई भी जो है यहाँ पे छल कपट नहीं है। और ये बोलने के बाद यूया गायब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे नगामी जो होता है उठ जाता है और ये देखते कि यूया और बाकी बंदे यहाँ पे जो है सो रहे हैं। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो खत्म होती है और यहाँ पे वीडियो लेट है उसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम लोग कमेंट ही नहीं करते। अगर तुम लोग कमेंट करोगे तो अगली वीडियो जल्दी आएगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।